बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में अब तक जितनी भी जॉब्स आ चुकी हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो सूबों में, उनकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना है। ब्राउज़र यूज़ करके आपने सिंपल जो है वो टाइप करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं educative.com। जैसे ही आप educative.com करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे। तो अगर आप बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। मैं इधर इस जो है वो साइट लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आपके सामने यहाँ पर जो है वो अपेयर हो जाएंगी। तो हम बात करें हैं बिल्कुल लेटेस्ट पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जॉब्स की, तो मैं आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करता चलता हूँ कि आज के दिन जो है वो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची पाक आर्मी में जॉब्स हैं। रावलपिंडी में जो है वो पाक आर्मी के एक डिपार्टमेंट में जॉब हैं। सरगोधा के एक डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। CMH लाहौर है, वहाँ पर रजिस्ट्रार की जॉब्स हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर अटक में जो है पाकिस्तान आर्मी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की गई है। फिर स्पेशल ऑपरेशन कम्युनिकेशन यूनिट SSC तरबेला कैंट है, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम बारी बारी जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची पाकिस्तान आर्मी, फिर रावलपिंडी के रिलेटेड जो है वो हम वैकेंसी जो है वो शेयर करते चलते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप फिर जो है वो यहाँ पर इस पेज के ऊपर आएँ और अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल बात करते हैं, यहाँ पर देखें कि लोकेशन आपकी होगी कराची, सिंध, पाकिस्तान। पोस्टेड है, आज के दिन जो है वो पोस्टेड किया गया। लास्ट डेट इसकी है 21 दिसंबर 2020। अगर बात की जाए इसकी एडवर्टाइजमेंट की, तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो राशिद मिन्हास रोड कराची में जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की गया। UDC है, उसका जो है 11 स्केल है, 5 उसकी सीटें हैं, पंजाब की 3 हैं, सिंधही की 1, बलोचिस्तान की 1, और इंटरमीडिएट सिंपल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज चाहिए। फिर LDC है, LDC जूनियर क्लर्क होते हैं, उसका 9 स्केल है, 2 सीटें हैं और दोनों की ही पंजाब की सीटें हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर टेक्नीशियन है, 1 सीट है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेरिट का मतलब होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। फिर स्टोरमैन है, उसकी 7 सीटें हैं, पंजाब की 5, सिंध की 1, बलोचिस्तान की 1, और मेट्रिक वाला अप्लाई कर सकता है। और लैब असिस्टेंट है, 1 सीट है पूरे पाकिस्तान के लिए। सिविलियन ऑपरेटर है, पंजाब की 1 सीट है। पैकर है, उसके बाद 1 सीट। CMD ड्राइवर, 2 सीटें हैं, मकामी का मतलब कराची के लिए ही है सारे। कंपोजर कराची, कारपेंटर कराची के लिए, फायरमैन की 3 है कराची। फिर नायब कासिद की जो है वो 2 सीटें हैं, उसके बाद कुक की 1 सीट है, उसके बाद देख सकते हैं 1 है। फिर प्राइमरी यहाँ पर देख सकते हैं, और इंसिडेंटल जो है वो लेबर की जॉब्स हैं, 58 सीटें हैं। सिंपल प्राइमरी वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 9 सीटें हैं सेंट्री खाकरोब की, और मकामी जो है वो कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल है, ख्वातीन को स्पेशल कोटा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10% माजूर के लिए 2% है, और अकलियत के लिए जो है 0.5% है। अब जो ख्वाहिशमंद है जो यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और ठीक है अपना मोबाइल नंबर, और 200 रुपये का जो है वो बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो है वो किसके नाम होना चाहिए, कमांडर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो राशिद मिन्हास रोड कराची, इनके नाम। फिर उसके बाद यही डॉक्यूमेंट्स आपने इस पते के ऊपर सेंड कर देने हैं, और एक साइड पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी पोस्ट का नाम और अपना पता लिखे, और दूसरी साइड पे जो है वो ये वाला एड्रेस लिख के जो है वो आपने सेंड कर देना है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार एक दरख्वास्त के लिए असामी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ठीक है, एक उम्मीदवार एक ही असामी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, तो एक से ज़्यादा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर एक से ज़्यादा असामी के लिए दरख्वास्त देगा तो उसकी दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। तो इसके लिए आपने जो है वो स्पेशल माइंड में रखना है कि एक ही एप्लीकेशन के लिए एक ही दे सकते हैं। तो एक तो ये था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी जॉब्स में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है। कौन कौन सी है, 505 इलेक्ट्रॉनिक्स बेस वर्कशॉप EME रावलपिंडी में जॉब्स हैं, उसके लिए HSM इंटरमीडिएट है, उसका स्केल भी मैंशन है HSM, और ये सिंध की सीटें हैं ये 2। फिर उसके बाद HS2 है, मैट्रिक साइंस के लिए है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की सीटें हैं यहाँ पर, ये पंजाब की सीट है। फिर HS2 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि DA एयर कंडीशनर है, उसकी पंजाब की सीट है। फिर उसके बाद स्किल्ड है, लोकल है, पंजाब की पिंडी की सीट है। तो इसमें जो है वो अप्लाई करने का तरीका क्या है कि इस तरह का जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दरख्वास्त इस नीचे फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। फिर उसमें जो है वो आपकी पैदाइश, डोमिसाइल, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ये देखें कि तमाम जो है वो एक गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए, और 200 रुपये का जो है बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए, किसके नाम, कमांडेंट 505 इलेक्ट्रॉनिक्स बेस वर्कशॉप EM रावलपिंडी, तो इसके नाम जो है वो आपने जो है वो करना है, और यही डॉक्यूमेंट्स आपने इस पते के ऊपर जो है वो सेंड कर देने हैं, ठीक है। ये जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी है, 6 दिसंबर है, उसके बाद इंटरव्यू डेट जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट आना था, ये इंटरव्यू लिखा हुआ है,
और न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो है वो सेंट्रल हो गया, यहाँ पर डिटेल होगी, फिर उसके बाद हमारी जो है वो सरगोधा की जॉब्स आई हैं, फिर CMH लाहौर की जॉब्स हैं, तो वो भी हम जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करते चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पाक आर्मी की जॉब जो है वो अनाउंसमेंट होती रहती है, तो आप यहाँ पर जो है इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सरगोधा जो है वो उसकी डिटेल है कि गेट कीपर है, उसकी जो है वो मैट्रिक है, उसकी जो है वो सीटें यहाँ पर मेंशन है, एक है ड्राइवर है उसकी एक है, उसके बाद कारपेंटर है मकामी, सरगोधा के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर पेंटर है मकामी, दो सीटें हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर है एक सीट है, फायरमैन जो है वो उसकी 6 सीटें हैं मकामी, उसके बाद USM लेबर जो है उसकी 7 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट है गेट कीपर के लिए BPS 7, तो उसकी जो है वो KPK के लिए जो है वो स्पेशल सीट्स हैं। तो इसका भी सेम ही क्राइटेरिया है कि एप्लीकेशन आ गई, उसके आपके डॉक्यूमेंट्स किसी का स्टेट ऑफिसर से, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो सरगोधा के नाम जो है वो आपने जो सेंड कर देने हैं। तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं है, ठीक है, ये इसकी जॉब हो गई। अब इसके बाद CMH लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार है उसके लिए वो डिफरेंट जो है वो स्पेशलाइज जो है वो पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर CMH जो है वो लाहौर में। तो ये सारी डिटेल है, ये अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम डिटेल आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स 500 का बैंक ड्राफ्ट होगा, और उसके बाद आपने इस पते के ऊपर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। ये थी CMH लाहौर की, काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो रजिस्ट्रार है वो रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं FCPS ट्रेनिंग 2 के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर और डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर अटक में जो है वो पाकिस्तान आर्मी के एक डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, फिर उसके बाद ये स्पेशल ऑपरेशन कम्युनिकेशन यूनिट SSG तरबेला कैंट जो है उसमें जॉब्स हैं, उसके अलावा काफ़ी जो है वो अपडेट्स यहाँ पर होती रहती हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हर सेक्टर में जो है वो जॉब्स की डिटेल एट वन प्लेटफॉर्म जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं PA स्टेनोटाइपिस्ट हैं, उसकी सिंध की एक सीट है, पंजाब की एक सीट है, उसके बाद ड्राफ्ट मैन है, उसके बाद FA रिक्वायर्ड है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सिंध की सीट है, मैस सुपरवाइजर है, उसके बाद 3 सीटें हैं सिंध की, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, बलोचिस्तान कुक मैस की है मकामी, ये तमाम जो है वो मकामी सीटें हैं जो प्राइमरी पास वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी सेम वही है कि इस तरह का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पर 100 रुपये का पोस्टल कोड होना चाहिए, 200 का जो है वो पोस्टल कोड कमांडेंट अल्ट्री सेंटर जो है वो अटक मंसलिक होगा। तो ये BPS 1 के लिए 100 रुपये हैं और BPS 10 और 14 के लिए जो है वो यहाँ पर 250 रुपये मेंशन है। तो यही जो है आपने पे ऑर्डर या जो बैंक में फीस जमा करवानी है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवा के आपने जो है वो इस पते के ऊपर सेंड कर देने हैं जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, अल्ट्री सेंटर अटक कैंट के ऊपर जो है वो आपने सेंड कर देने हैं। तो इस तरह और भी काफ़ी तादाद में जो है वो जॉब्स वैकेंसी जो है वो अनाउंस होती रहती हैं, अगर आप इस तरह की और भी वैकेंसीज हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल जो है वो यहाँ पर कैटेगरीज भी हैं कि आपके किस सिटी में जो है वो जॉब्स आई हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप एजुकेटिव्स के साथ अप टू डेट रहें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आप जो है वो मुस्तफ़ीद होते होंगे। तो अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।